हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। परसों टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने दिया था आपको आयुष्मान भारत एस्से लिखने के लिए, और काफ़ी सारे लोगों ने लिखा और उसे भेजा भी। ठीक है, तो मैं आयुष्मान भारत का एक एस्से मेरे पास आया, मैं इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से आप लिख सकते हो। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बेस्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में आयुष्मान भारत का एस्से का टॉपिक आया तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रहेगी। तो वो चीज़ें लिखो, बाकी इसमें मैं कुछ और इनपुट्स भी दूंगा, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, आयुष्मान भारत टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इन्होंने जो ये ऐसे लिखा है, ये 270 वर्ड्स में लिखा है, तो वर्ड लिमिट यहाँ पे एक्सीड नहीं करी, तो वर्ड लिमिट ठीक है। बाकी फॉर्मेट की बात करें, मैंने आपको जो फॉर्मेट दिया था, जो शीट होती है आपके पेपर में, वहाँ पे 4 बॉक्सेस होते हैं ऐसे, और ठीक है रोज में 4 होते हैं, और कॉलम्स की बात करें 14 होते हैं, तो आपको उसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन्होंने अलग यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने आपको फॉर्मेट की पीडीएफ भी दे रखी है, उसे डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी इन्होंने इस पे करा है तो मैं यही शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। शुरू करते हैं। अ कंट्रीज हेल्थ कैन बी जज्ड फ्रॉम द हेल्थ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। स्टार्ट यहाँ से करा। आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ पेंशन स्कीम NHPS वॉज लॉन्च्ड टू डील विद सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर फॉर 10 करोड़ फैमिलीज कवरिंग 50 करोड़ बेनिफिशियरीज। लॉन्च्ड बाय PM मोदी ऑन 25 सितंबर 2018 एट रेड फोर्ट, NHPS विल सब्ज्यूम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन भी दे दिया, आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में भी बता दिया, जिसे हम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, वो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये भी इस नाम से भी इस स्कीम को जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया किस लिए लॉन्च की गई, टू डील विद सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर फॉर 10 करोड़ फैमिलीज कवरिंग 50 करोड़ बेनिफिशियरीज। ठीक है, उसके बाद लॉन्च बाय PM मोदी ऑन 25 सितंबर। देखिए ये डेटा थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 23 सितंबर था। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे कहीं कहीं आपको 25 मिलेगा, लेकिन पहले 25 को लॉन्च होनी थी, लेकिन 23 को लॉन्च कर दी गई थी एट झारखंड रांची। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सही कर लेना, और ये रेड फोर्ट पे नहीं हुई थी, झारखंड रांची पे हुई थी। NHPS विल सब्ज्यूम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों स्कीम को इसने सब्ज्यूम कर लिया, मतलब अब ये ही हो गई मेन स्कीम। बाकी इसमें एक चीज और है, जो आपकी जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और दूसरा है आपका नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे उन्होंने उसके बारे में बात नहीं करी। तो एक वेलनेस सेंटर्स के बारे में आपको बताना है कि वेलनेस सेंटर्स का एक कंपोनेंट है, और इसका दूसरा कंपोनेंट है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी फैक्ट्स थोड़े करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे जो स्कीम थी, ये अनाउंस किसने की थी, ये बजट पेश करते हुए तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अनाउंस की थी 2018 में। ठीक है, 2018-19 का जब उन्होंने बजट पेश किया था, तब उन्होंने इस स्कीम के अनाउंसमेंट की थी। तो लॉन्च PM मोदी ने किया था, लेकिन अनाउंसमेंट की थी अरुण जेटली ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टार्टिंग का फिर से देख लेते हैं। आ कंट्रीज हेल्थ कैन बी जज्ड फ्रॉम द हेल्थ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, ये काफी अच्छा कोट इन्होंने यूज किया, और इसी से रिलेटेड महात्मा गांधी जी का भी एक कोट है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि आप अपने एस्से में यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत विल टच पुअरेस्ट एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडेड इन सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, जो इस लाइन में अगर हम बात करें, मुझे थोड़ा सा एरर दिख रहा है। विल टच द पुअरेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा, एंड द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी डेट वर इंक्लूडेड इन सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था, उसमें जो पुअरेस्ट एंड वल्नरेबल सेक्शंस थे, उन्हें इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो उसी के बेसिस पे आपको बेनिफिशियरीज बताए गए हैं कि 10 करोड़ फैमिली सिलेक्ट होने वाली हैं और 50 करोड़ बेनिफिशियरीज रहेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हैं। फंडिंग ऑफ 60-40 रेशियो बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड सेटिंग अप ऑफ 1.5 लाख वेलनेस सेंटर्स आर पिलर्स ऑफ दिस स्कीम। जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ कैशलेस पेपरलेस ट्रीटमेंट एंड फ्री हॉस्पिटलाइजेशन इन प्राइवेट इम्पैनल्ड एज वेल एज पब्लिक हॉस्पिटल्स विल एड रूरल एंड अर्बन पुअर फैमिलीज। अगर हम बात करें यहाँ पे, देख ये क्या कह रहे हैं कि जो इस स्कीम में फंडिंग होने वाली है, स्कीम को फंड करेगी 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर स्कीम को रिकॉग्नाइज करती है, तभी उस स्टेट में
ये स्कीम चलती है बेसिकली, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं जिनकी अपनी इस तरह की स्कीम्स हैं और बाकी कुछ स्टेट हैं जो इस स्कीम को अपना लेती हैं। तो 60% सेंट्रल फंड करेगी, 40% स्टेट फंड करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें इस स्कीम के तहत 1.5 लाख वेलनेस सेंटर्स होंगे जो कि पिलर्स का काम करेंगे इस स्कीम का। जुडिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ कैशलेस पेपरलेस ट्रीटमेंट एंड फ्री हॉस्पिटलाइजेशन इन प्राइवेट इम्पैनल्ड एज वेल एज पब्लिक हॉस्पिटल्स विल एड रूरल एंड अर्बन पुअर फैमिलीज। अब जो ट्रीटमेंट होने वाला है वो कहाँ कहाँ होगा, एक तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में होगा आपका, और दूसरा है प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। ठीक है, ये इम्पैनल्ड वर्ड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं करा सकते इस स्कीम के तहत। जो प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होंगे उन्हीं में आप जा सकते हो। जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं वो भी हर हॉस्पिटल में जाके नहीं करा सकते अपना ट्रीटमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट से इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट, उनमें ही आप ट्रीटमेंट कराओगे तो ही आपको फ्री सर्विस मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ पेंशन स्कीम NHPS विल ब्रिंग फार फ्लंग एरियाज अंडर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। इट वुड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बोस्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल एंड ब्रिंग होल इंडिया अंडर अम्ब्रेला ऑफ सिंगल हेल्थ केयर स्कीम। हेल्थ ऑफ द पुअरेस्ट विल फ्लोरिश एंड स्टेट्स टू विल गेट फंडिंग टू सेटअप वर्ल्ड क्वालिटी हॉस्पिटल्स। टाइमली ट्रीटमेंट, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, फ्री मेडिकेशन, इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स आर प्रोज ऑफ दिस NHPS। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट इसके बारे में बता दी कि क्या क्या अच्छा है इसके बारे में, स्कीम के बारे में। ऑन द फ्लिप साइड, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इज नेसेसरी टू वीड आउट बोगस बेनिफिशियरीज सिंस एवरी फैमिली विल गेट कवर ऑफ 5 लाख पर ईयर विदाउट साइज रेस्ट्रिक्शन। इट इज इम्पेरेटिव टू इंश्योर जीरो लीकेज ऑफ फंड्स, एडुकेट डॉक्टर्स, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ क्लिनिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया आर इनडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इनडिस्पेंसिबल मतलब बहुत जरूरी है। सम स्टेट्स लाइक बंगाल, दिल्ली हैव एक्सक्लूडेड देमसेल्व्स व्हाइल केसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज क्लेमिंग कॉस्ट आर थ्रोन्स टू बी प्लग्ड। ठीक है, सिंगल टू आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। लीव नो वन बिहाइंड मोटो मस्ट बी फॉलोड टू मेक NHPS अ क्राउन इन इंडियाज ग्रोथ। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में ये क्या कहते हैं कि जो बोगस बेनिफिशियरीज हैं उन्हें वीड आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर फैमिली के अंदर 5 लाख तक का कवर दिया जा रहा है, ठीक है, और उसमें कोई साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जरूरी है कि यहाँ पे लीकेज ना हो फंड्स का, ठीक है, गलत इस्तेमाल ना किया जाए। एडुकेट डॉक्टर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता है इंडिया में डॉक्टर्स की कमी कितनी ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स होने चाहिए, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड क्लिनिक्स ये जरूरी है, साथ ही साथ अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आप किस तरीके से इस स्कीम का लाभ उठा पाओगे। तो ये जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए इस स्कीम के बारे में कि किस तरह से आपको एनरोल करना है, किस तरह से सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, इन्होंने इस स्कीम को नहीं लगाया है अपने यहाँ पे। ठीक है, ये बाहर निकल गए स्कीम से, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं इस स्कीम के साथ। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं। ठीक है, तो वो भी एक समस्या है जिसे कम होना जरूरी है। लिविंग नो वन बिहाइंड मोटो मस्ट बी फॉलोड टू मेक NHPS अ क्राउन इन इंडियाज ग्रोथ। ठीक है, ये मोटो है इस स्कीम का, लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, इस मोटो को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए जिससे कि जो ये हमारी स्कीम है नेशनल हेल्थ पेंशन स्कीम, ठीक है, ये क्राउन बन जाए इंडिया की ग्रोथ में। तो एंडिंग पार्ट भी अच्छा था, मैं ये चाहता था कि अगर ये लीव नो वन बिहाइंड मोटो मस्ट बी फॉलोड टू मेक NHPS अ क्राउन इंडिया ग्रोथ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें, इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं, इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आयुष्मान भारत स्कीम क्या है उसके बारे में बताया, कौन कौन सी स्कीम इसने सब्ज्यूम कर ली उसके बारे में बताया, उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्टिव भी बताया इसका, उसके बाद पॉजिटिव्स बताए, उसके बाद नेगेटिव्स भी बताए, ठीक है, वे फॉरवर्ड भी बताया, और उसके बाद कंक्लूजन भी दिया। तो ओवरऑल इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं, इसलिए मुझे ऐसे काफ़ी बेटर लगा। बाकी एक दो फैक्ट्स गलत हो गए, एक दो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं, वो सारी चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही, तो अच्छा था ओवरऑल। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप और ऐड कर सकते हो, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। महात्मा गांधी ने बात कही थी, इट इज हेल्थ डेट इज रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो इस कोट से आप स्टार्ट कर सकते थे कि महात्मा गांधी जी सेड इट इज हेल्थ डेट इज रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा और बेटर होता।
उससे बाद अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा फैक्ट्स भी दे सकते थे, प्रेजेंट हेल्थ केयर कंडीशन क्या है इंडिया में। सम 2.4 मिलियन इंडियंस डाई ऑफ ट्रीटेबल कंडीशंस एवरी ईयर, द वर्स्ट सिचुएशन अमंग 136 नेशंस। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी लैंसेट की, उसमें बताया गया था कि 24 लाख इंडियंस ट्रीटेबल डिसीज से हर साल मरते हैं और सबसे बुरी कंडीशन है 136 नेशन में। तो ये फैक्ट अगर आप डाल देते हैं तो थोड़ा ये बाकी लोगों से हटके आपका बन जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा नॉलेज है इस बारे में। बाकी अगर हम बात करें, मैंने जैसे आपको बताया है कि अरुण जेटली जो कि तब के 2018 के टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस स्कीम की घोषणा की थी बजट पेश करते टाइम, और उसके बाद ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें दो चीजें आती हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसे जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। साथ ही साथ जो ये स्कीम आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। तो ये पॉइंट बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। जब भी स्कीम की बात की जाए तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या स्टेट स्पॉन्सर्ड है, उसका और क्या नाम है, कौन सी स्कीम्स को सब्ज्यूम कर लिया, ये सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करते हैं, उसमें भी हमें ये सारी चीजें बतानी होती है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, इन पर हमने बात कर ली, और ये 23 सितंबर को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एट रांची झारखंड। ठीक है, और जो पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनोग्रेट किया गया था वो 14 अप्रैल 2018 को इनोग्रेट किया गया था। उसके बाद जो बेनिफिशियरीज हैं वो सारी चीज़ें हमने बात करी रही, ओवरऑल की क्या क्या चीज़ें रही स्कीम के अंदर, किसे किसे फ़ायदा मिलेगा, किसे किसे नहीं मिलेगा, ये कुछ इनपुट्स हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच से जो उन्होंने 23 सितंबर को दी थी, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इट इज एन इंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम विद इंटाइटलमेंट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिवेशन क्राइटेरिया इन द सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटाबेस, राइट। तो ये चीजें हैं, बाकी एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ी और बहुत लंबी लिस्ट है तो वो सब आपको नहीं डालना, दो चार पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, नोट करना चाहो कर लो, वरना इसे अवॉइड भी करोगे, थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अच्छा अगर हम बाकी की बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, वो सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं, तो आप वो चीजें लिख सकते हो। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी एक साल से ज्यादा हो गया है आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुए हुए, तो एक साल में इसमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है वो देखो आप। ठीक है, इन जस्ट ओवर अ ईयर लेटर आयुष्मान भारत हैज कंप्लीटेड 50 लाख हॉस्पिटल एडमिशंस। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, देयर वर 9 हॉस्पिटल एडमिशंस एवरी मिनट अक्रॉस इंडिया इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, 50 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन हो चुके हैं, हर एक मिनट के अंदर 9 नए हॉस्पिटल एडमिशन हो रहे हैं, ये प्रेजेंट सिनेरियो है इसका। ठीक है, बाकी दो और पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, बाकी ये आप ऐसे में नहीं लिख पाओगे, 250 वर्ड के ऐसे तो बहुत लिमिटेड चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। और सबसे मेन पॉइंट फर्स्ट ही था तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, और एसेज में के लिए कुछ अच्छे पॉइंटर्स मिल गए होंगे जो आप लिख पाओगे, यूज कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और बाकी हमारी पूरी प्लेलिस्ट ही है एसएससी सीजीएल टीयर 3 एंड टीयर 4 करके, जिसमें सारी वीडियोज हैं, प्रीवियस ईयर के आरटीआईज की कॉपीज हैं, वो आप देख सकते हो कि इवैल्यूएटर किस तरह से चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।